Why should I pay my electricity bill? मैं क्यों दूं? Because of the incompetency and the corruption of these discos, सर मैं तो नहीं दूंगी ये पैसे. मैं क्यों दूं? ये कौम क्यों दे ये पैसे? हमारे यहाँ क्या हो रहा है सर, मुल्क में घर की चीजें बेची जा रही हैं, जो कीमती चीजें होती ना, जेवरा, महंगी तरीन चीजें, जो हमारे एसेट्स होते हैं वो बेचे चले जा रहे हैं, और उन एसेट्स को बेच के इस कौम की हालत इजार में बेहतरी नहीं आएगी सर. कोई पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स नहीं बनेंगे. गरीब के लिए कुछ नहीं है सर, इसके अंदर कुछ भी नहीं है सर. परसेंट है आपके रेवेन्यू में से 60% तो आपका खर्चा निकल गया, जबकि पास आपके जेब में पैसे नहीं है. फिर वजीर आजम साहब जो हैं, उन्होंने माशाल्लाह, ये बजट की तकरीर में पढ़ रही हूँ, वफाकी हुकूमत के हुजुम और वसाइल के ज़िया को कम करने के लिए एक आला सतह और बाख्तियार कमेटी तश्कील दे दी गई है, जो हुकूमती ढांचे को का जायजा लेगी और अगले 2.5 माह में अपनी शफाफ. वो कमेटियां पता है आपको कब बनती हैं? जब मामले को रफा दफा कर देना. ये लॉलीपॉप दी है इस कौम को. ये कोई हजम कम नहीं होना, कोई खर्चा कम नहीं होना, ये सब कहने की बातें हैं, ये सब बातें हैं लोगों को बेवकूफ बनाने की. सर मेरी चंद एक गुजारिशात हैं जो मैं इस हाउस के सामने रखना चाहूंगी, और अगर स्टेट मिनिस्टर साहब थोड़ी सी तवज्जो दे दें, सुन लें, ये गुफ्तगू बाद में कर लें. सर आपने कहा कि जी हम एग्जेम्पशंस कम करेंगे. मुझे आप एक बात बताइए सर, कि ये जो आप सब्सिडीज देते हैं और ये जो आप गर्दिशी कर्जे आपके कम ही नहीं हो रहे, 2.3 ट्रिलियन आपका एक बेंचमार्क था जिसको आपने क्रॉस नहीं करना था, आपके IMF से कमिटमेंट थी, वो 2.6 ट्रिलियन पर चला गया, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए. लेकिन इस साल फिर सर आपने सब्सिडीज फॉर इंटर डिस्कोस, ये जो 10 डिस्कोस है ना आपके, जो इस कौम का खून चूस रही हैं, उसके टैरिफ डिफरेंशियल में आप 276 बिलियन, 275 अरब रुपए आप दे रहे हैं. सर ये वो सब्सिडी है जो आपकी और मेरी जेब से निकलने वाली. वाई शुड आई पे माई इलेक्ट्रिसिटी बिल? मैं क्यों दूं? बिकॉज ऑफ द इनकॉम्पिटेंसी एंड द करप्शन of these discos, सर मैं तो नहीं दूंगी ये पैसे. मैं क्यों दूं? ये कौम क्यों दे ये पैसे? अच्छा दूसरा तरीका इन्होंने क्या निकाला है सर, बड़ी अच्छी बात है, प्राइवेटाइजेशन. सर 30 बिलियन की प्राइवेटाइजेशन है. हमें नहीं मालूम कि क्या चीज प्राइवेटाइज होने वाली है, कब होने वाली है, कैसे होने वाली है, कितनी ट्रांसपेरेंट है. और जो प्राइवेटाइजेशन अगर हो गई, क्योंकि पिछले साल इन्होंने रखा था 15 बिलियन, जिसको इन्होंने दोबारा से रीएस्टिमेट करके 10 में लिया है, क्योंकि कोई चीज़ बिकी नहीं. सर जब आपका खर्चा होता है ना और आप मकरूज होते हैं, जब आपका घर कर्जे में होता है, आपकी जेब में पैसे नहीं होते, तो आप अपने अखराजात कम करते हैं. हमारे यहाँ क्या हो रहा है सर, मुल्क में घर की चीज़ें बेची जा रही हैं, जो कीमती चीज़ें होती ना, जेवरात, महंगी तरीन चीज़ें, जो हमारे एसेट्स होते हैं वो बेचे चले जा रहे हैं, और उन एसेट्स को बेच के इस कौम की हालत इजार में बेहतरी नहीं आएगी सर. कोई पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स नहीं बनेंगे. इसमें लिखा है, ये आपकी फेडरल बजट एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम ऑफ फेडरल रिसीट्स, इसमें लिखते हैं सर कि 10% ऑफ दीज प्रोसीड्स विल गो टू पावर्टी एलिवेशन. चले जी ये भी बड़ी गनीमत है, बट 90% विल गो फॉर द रिटायरमेंट ऑफ फेडरल डेट. 90% आप अपने असासे बेच के उसमें से 90% पैसा अपने कर्जों में दे देंगे और फिर और कर्ज लेंगे. सर अच्छी बात की वजीर आजम साहब ने कि खुदा करे कि ये हमारा IMF के साथ आखिरी बजट हो, आखिरी, ये आखिरी लोन हो. लेकिन सर इस पूरे बजट डॉक्यूमेंट में मुझे कोई ऐसी इस्लाहात नज़र नहीं आई जिससे मुझे ये अश्योरेंस हो कि इसके बाद मेरा मुल्क मकरूज नहीं रहेगा. ये कर्जा हम लौटा देंगे जैसे भी करके, लेकिन उसके बाद हम कर्जे नहीं लेंगे. सर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि इस मुल्क के अंदर 40% लोग जो हैं गुर्बत की सतह से नीचे आ चुके हैं. इसका मतलब सर ये है, जो लास्ट सेंसस का फिगर जो है 241 मिलियन, उसके तहत ऑलमोस्ट 100 मिलियन पीपल, 10 करोड़ लोग इस वक्त गुर्बत की सतह से नीचे हैं. सर मेरी गुजारिश ये है, BISP एक ऐसा प्रोग्राम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 2008 में शुरू किया था और एक कामयाब तरीन प्रोग्राम है, सर इस प्रोग्राम के तहत 9.2 मिलियन फैमिलीज की किफालत की जा रही है, और अगर एक एवरेज फैमिली में 6 लोग लगा लें तो तकरीबन कोई 5 करोड़ 50 लाख लोग आते हैं. सर इस वक्त जो हमारी गुर्बत की सतह से नीचे जो लोग हैं वो 10 करोड़ हैं,
अगर इसका बजट जो पिछले साल का 471 बिलियन था उसको बढ़ा के अगर हम 950 बिलियन कर दें, 1 ट्रिलियन कर दें, तो सर हम इस ज़मरे के अंदर वो बाकी 5 करोड़ भी लोग ला सकते हैं जो सर गुर्बत की सतह से नीचे हैं। सर मुझे दुख ये हुआ कि हम हमेशा गरीब आवाम की बात करते हैं, गरीब आवाम, गरीब तबका, गरीब के लिए कुछ करना है, गरीब की हालत इज़ार को बेहतर करना है, कोई और चीज़ नहीं है, गरीब के लिए कुछ नहीं है सर, इसके अंदर कुछ भी नहीं है सर। सर आखिर में मैं एक गुजारिश करूंगी, चूंकि मेरा ताल्लुक कराची से है और कराची एक ऐसा शहर है जो पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू देता है। सर K4 का प्रोजेक्ट ये 2007 में इसकी फीजिबिलिटी बनती रही चलते 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 ये शुरू हुआ 2019 में, सर 125 बिलियन पे ये पहुंच गया। ये प्योरली फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है सर, इसके लिए इस साल भी सिर्फ 25 बिलियन रखे हैं इस हुकूमत ने। इसका जो बाकी का जो हजम रह गया 70 बिलियन, वो बराए मेहरबानी ये हुकूमत दे दे ताकि कराची में पानी का मसला हल हो जाए सर। और मेरी ख्वाहिश होगी, मेरी गुजारिश होगी कि अपनी टैक्सेशन पॉलिसी के अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट लेकर आएं। ये चैरिटेबल हॉस्पिटल्स के ऊपर टैक्स लगाना, दूध पे लगाना, एग्रीकल्चर इनपुट्स के ऊपर लगाना, सर ये ज्यादती है, लोगों के साथ ज्यादती है। आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में लोगों को मार देंगे। हम यहाँ पर खड़े रह के अगर हम अपने लोगों की हालत इज़ार बेहतर नहीं कर सकते तो सर हमारा यह रहने का कोई मतलब नहीं है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।